वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग होपफुली सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ स्नैक्स की रेसिपीज़ जो कि आप कोई भी घर में मेहमान आ जाए हाई टी के तौर पर आप कोई भी हाई टी अरेंज करना चाहें तो आप इजीली सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ के जी के बराबर आलू ले लिए उसको बॉयल करके मैश कर लिया इसमें तकरीबन एक कप से थोड़े से कम थे उसमें ब्रेड क्रम्स ऐड किए और फिर इसमें मैंने तकरीबन तीन टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड किया और कॉर्नफ्लोर से ना ये आ, अच्छे से क्रिस्पी से ज़रा बन जाते हैं अंदर से भी ना ज़रा पक जाते हैं और तकरीबन वन टीस्पून के बराबर इसमें मैंने ज़ीरे को ना ऐसे क्रश करके मोटा मोटा तो वो ऐड कर दिया तो इसके इसमें वन टीस्पून के बराबर आपने लहसन का पाउडर ऐड करना है इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं जितना आपको स्पाइसी पसंद है तो आप उसके मुताबिक रख लें मैंने तकरीबन यहाँ पे वन टीस्पून के बराबर मैंने डाली थी इसमें लाल मिर्चें और नमक भी आप हंसपे ज़ायका जितना आप पसंद करते हैं वन टीस्पून के वन टेबलस्पून के बराबर ना फिर मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया था और एंड चिकन पाउडर आपने डालना है जैसे दो टेबल स्पून आपने भर के डाल देना है इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और इसमें तकरीबन एक अंडा जाएगा और ज, जैसे ही आपकी जितनी आपकी क्वांटिटी है ना ये मैं हाफ़ के जी का तकरीबन बत, बता रही हूँ आपको तो और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके तो उसको मैंने हल्का सा पानी ऐसे निचोड़ के ना तो वो भी डाल दिया और इसमें सबज़ फ्रेश धनिया वो भी इसमें जाएगा और इससे अच्छे सी इसकी लुक आ जाएगी अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और काली मिर्च मैं भूल गई थी और काली मिर्च का पाउडर भी वन टीस्पून जाएगा इसमें इससे भी इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और ये क्रिस्पी से पोटैटो डोनट्स हमारे तैयार हो जाएंगे इसको अच्छी सी हम शेप दे लेंगे इसको बनाना नहायत ही आसान है और बस इसको ये देखें ऐसा इसका बैटर तैयार हो गया और अब इसमें ना हमने बिल्कुल इसको टिक्कियाँ जैसे आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं ना उस तरह की गोल शेप दे लेनी है और बीच में आपने सुराख कर लेना है चाहे तो आप किसी भी चीज़ से की मदद से इसमें सेंटर में से होल कर लें फिंगर की मदद से कर लें किसी पेंसिल की मदद से कर लें स्पून की मदद से कर लें बस आपने ना इसको अच्छी सी शेप दे लेनी है ऐसी मोटी मोटी सी और बस एक ये मेरे पास ही पेंसिल एक पड़ी हुई थी तो इसमें ऐसे होल सा कर लेंगे बाद में थोड़ा सा हाथ की मदद से ना इस सुराख को थोड़ा सा आपने ज़रा बड़ा कर लेना है ताकि इसकी डोनट की ना एग्जैक्ट शेप आ जाए देखें ऐसे और बस इस तरह से हम सारे डोनट्स अपने रेडी कर लेंगे सारी चीज़ें तैयार करके ना पहले से रख लेंगे और फिर एंड पे जब हमने फ्राई वगैरह करने हो ना तो फिर इसमें ना इजी हो जाता है फिर आपको काम करना और जैसे ही कोई गेस्ट वगैरह आने हो ना तो आपने पहले से चीज़ें बना के रखी हो तो फिर इनको एंड पे फ्राई करना इतहाई इजी हो जाता है और फिर आपका टेबल भी अच्छा सा सज जाता है दस्तरखान वग़ैरह मेहमान खुश हो जाते हैं और स्पेशली बच्चों को ये बड़ी पसंद आई थी रेसिपी और इसका बैटर मैं तैयार कर रही हूँ और इसमें ना थोड़ा सा मैदा लेना आपने और तीन टेबल स्पून के बराबर मैदा ले लें और इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर और इसमें एक अंडा डाल लें और ड्राइड पार्सले मुझे कहीं से भी नहीं मिले थे वो भी इस रेसिपी में डलते हैं तो वो नहीं मुझे कहीं से मिला था इसके अलावा पार्सले थोड़ा सा मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया था और हल्की सी मैंने लाल मिर्च भी थोड़ी सी पाउडर ना उसका ऐड कर दिया था इसको अच्छी तरह से ना फिर मैंने विस्की मदद से थोड़ा सा बीट कर लिया था अब इसको इसमें डिप करना है और इसके बाद इसको क्रम्स लगा लेने हैं अच्छे से और ये क्रम्स ना मैंने खुद ही बनाए हुए हैं वैसे आप चाहें तो बाजार से भी रेडीमेड भी मिलते हैं तो बस इसको अच्छी तरह से क्रम्स लगा के तो इनको डीप फ्राई कर लेना तो बस इसकी अच्छी सी इसको ना डीप फ्राई करना है और इसको अच्छा सा कलर दे के ताकि अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए तो बस ये डन हो जाएंगे ये देख लें और इसकी अब अगली रेसिपी की तरफ आते हैं अब यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन पैटीज़ यानी कि क्रिस्पी बॉक्स पैटीज जिसको कहते हैं और ये मैंने चिकन के पीसेस ले लिए हैं और इनको काली मिर्च और नमक लगा के इनको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे दोनों साइडों पे नमक और काली मिर्च आपने लगा लेनी है ऐसे अंदाजे से ही लगा लें बस और जितनी क्वांटिटी मुझे रिक्वायर थी मैंने उतनी ही ली थी और चिकन की क्योंकि मैं थोड़ी मकदार में चीज़ बना रही हूँ और ताकि इजीली मैं चीज़ों को हैंडल भी कर सकूं और हाफ़ लेमन स्क्वीज कर दिया मैंने ऐसे लेमन जूस ना इसमें काफ़ी अच्छा था भरा हुआ था यानी कि जूस काफ़ी इसमें से निकला तो तकरीबन वन टेबल स्पून के बराबर होगा लेमन जूस तो वो भी इसको अच्छी तरह से कर देंगे इसमें मिक्स कर देंगे और इसको चाहे तो थर्टी मिनट्स के लिए आप बना के इसको मैरिनेशन मैरिनेट करके ना इस मसाले को रख लें चिकन को तो इसके बाद फिर इसकी अब ये सॉस से रेडी करते हैं इसके लिए मैंने टू टेबल स्पून ले ली कोई भी फ्रेश क्रीम ले लें ट्रा पैक वाली इसके अलावा इसमें टू से थ्री टेबल स्पून के बराबर मायनेस ऐड करेंगे और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी नमक हल्का सा डालेंगे क्योंकि मायनेस में भी नमक होता है और इसलिए इसमें ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना और इसमें फिर थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ करेंगे अच्छा अब इसको ना अब ये हमने सबज़ बंद गोभी काट के रखी हुई है बारीक बारीक बिल्कुल आपने करना है इसको सेलड जैसे सैलड के लिए बनाती हैं ना इस तरह इसकी एक सॉस ही रेडी कर लेनी है इसको आपने इसको भी मिक्स करके एक साइड पे रख देना है क्योंकि ये ज़रा सेट हो जाए और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ना फिर मैंने मायो और क्रीम थोड़ी सी और ऐड की थी मुझे थोड़ी कम लग रही थी और थोड़ी सी मैंने टेस्ट भी कर लिया था नमक वगैरह बराबर था तो अब चंद जवे दो से तीन मैंने ना छोटे छोटे से जवे लहसुन के लेके तो उनको हल्के से ऑयल में ऐसे सोते करके तो एक दो सब्ज़ मिर्चों को मैंने किया थोड़ा सा फ्राई करके तो इसमें जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था ब्लैक पेपर और नमक लगा के और लेमन लगा के तो अब उसको इसमें कुक करेंगे चिकन को इसको आपने ना लो फ्लेम पे रखना है इस चिकन को तो थोड़ी देर के लिए पाँच मिनट के लिए एक साइड और पाँच मिनट के लिए दूसरी साइड को ना ऐसे आपने कुक कर लेना है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ये चिकन कुक हो जाएगा चाहे तो आप ना मैंने बड़े पीसेस लिया चाहे तो आप छोटे पीसेस में भी चिकन ना काट के तो फिर उसको भी ऐसे कुक कर सकते हैं तो ये देखें सारा इसको मैंने नाइफ़ की मदद से ना इसको सारा काट लिया इसको अच्छी सी अब इसको शेप देंगे इसके लिए हमने ये जो समोसा पट्टी होती है ये आपने ले लेनी है और इसके सेंटर में ना ऐसे ये मैदे की लई सी बना के तो आप देखें इस तरह आपने रखनी है इस शेप में आपने रखना है और सेंटर में हमने ना उसको जोड़ दिया उसकी मदद से और ये जो बनाया हुआ था बंद गोभी का बैटर इसको हम सेंटर में रखेंगे सबसे पहले इसमें ना कई लोग कैचप भी लगाते हैं नीचे सबसे कैचअप भी यूज़ करते हैं तो लेकिन हमें इतनी कैचअप पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं लगाई अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं इसके ऊपर ये जो चिकन पीसीस हैं इसको रखेंगे और अब इसको जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से इसको बंद कर देंगे अच्छी सी शेप इसको दे लेंगे अच्छी तरह से टाइटली इसको बंद करना है ताकि ये ओपन ना हो वैसे ये ओपन नहीं होगा क्योंकि इस पर अंडे अंडे की कोटिंग और साथ ब्रेड क्रम्स वग़ैरह करके तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल सील हो जाता है इसको नहीं कुछ होता चिकन भी कुक हुआ हुआ है और वो बंद गोभी को तो इतनी ख़ास ज़रूरत ही नहीं होती तो ये स्नैक्स के तौर पे ना बड़ी ही अच्छी रेसिपी है और मेरे बच्चों को ये पसंद भी बहुत आई थी उनको सबसे अच्छी ये लगी थी क्योंकि ये मैं ना अमूमन हम रमज़ान में ही बनाते होते हैं तो इसके अलावा तो इस तरह की चीज़ें इतनी नहीं क्योंकि विंटर्स में ही खाते हैं बच्चे फ्राइड आइटम ज़्यादा तो इसलिए फिर मैंने आज सोचा कि ये ट्राई करती हूँ तो फिर मैं ज़रा डिफरेंट तरह से भी बनाती हूँ तो आज ये ज़रा इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है तो इस तरह से हमने ट्राई की तो ये देखें इतनी सारी बन गई थी इससे यानी कि अगर आपके तीन चार गेस्ट आ रहे हैं तो काफ़ी हो जाता है एक प्लेटर सा बन जाता है आपका दो चार चीज़ें भी इकट्ठी बन जाती हैं और घर में आप साफ सुथरी चीज़ें बना के मेहमानों को दें और मेहमान खुश भी हो जाते हैं कि वाह जी वाह मज़े आ गए आज तो इसको फिर ऐसे अंडा लगा के और क्रम्स लगा के ना ब्रेड क्रम्स लगा के तो फिर आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है और ये क्रम्स मैंने खुद ही बनाए थे और ये थोड़े मोटे मोटे मैंने खुद ही रखे थे आप चाहे तो रेडीमेड वाले बाज़ार वाले भी यूज़ कर सकते हैं जो वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होते हैं और वो ना बहुत जल जल्दी ना वो जल जाती हैं तो इसलिए मैंने आज खुद ही ब्रेड से हाफ ब्रेड थी तकरीबन मेरे पास तो उनको मैंने ऐसे चॉपर में चॉप करके तो उसको फिर मैंने इस तरह से पका लिया था ज़रा सा तो वो क्रिस्पी से बन गए थे तो बड़ी अच्छी सी इसकी शेप लग रही थी तो फिर अब मैं आज लगी हुई थी किचन में बिजी थी काफ़ी और चीज़ें बनाने तो बस अब मैं इसको एक एक करके सबको फ्राई कर लूँगी तो फिर ये रेसिपी हमारी मज़ेदार सी तैयार हो गई तो बस इस तरह से कुछ इसकी फिर पिक्चर्स ले ली थी वो कुछ अच्छी बाद में ना कुछ वीडियो शूट नहीं हुई थी तो अब हम बना रहे हैं इसमें शुआर्मा पॉकेट्स इसकी रेसिपी इसके लिए चिकन को ऐसे बरीक बरीक अपने टुकड़ों में काट लेना और पीसीज में और इसके ऊपर हमने डाला है चिली फ्लेक्स और तिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर लें इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी हम डालेंगे थोड़ा सा नमक हल्दी डालेंगे इसमें कलर के लिए और कुछ लोग डालते हैं जर्दा कलर भी फूड कलर तो वो भी आप डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला था मैंने हल्दी डाल दी थी तो थोड़ा सा विनीगर सिरका डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस डालेंगे और इसके अलावा थोड़ी सी हम डालेंगे चिली सॉस ना तो बस इससे सब सॉसेज का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और इसमें आपने जिंजर गार्लिक का पाउडर यूज़ करना है चाहे तो पेस्ट यूज़ कर लें तो मैंने इसका पाउडर यूज़ किया था हल्का सा क्योंकि इसका फ़्लेवर बड़ा ही रिच होता है तो बस थोड़ा सा डालें बिल्कुल ताकि ना बस इसका फ्लेवर आ जाए बस अच्छा सा और इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा तिक्के मसाला जो होता है ना उसमें मिर्च भी होती है और नमक भी होता है तो अगर आप टेस्ट कर लें अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक और मिर्च और ऐड कर लें फिर इसको हम ना आ, आप कुक कर लेंगे और इसके लिए अब हम ये जो शॉर्मा पॉकेट की जो सॉस होगी हम वो बना रहे हैं इसके लिए हमने मायनेस ले ली है तकरीबन तो दोनों आप ना क्वांटिटी में ले लें अंदाजे से जितने आपके शॉर्मा पॉकेट्स है ना उस आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जितनी से आपने इसकी सॉस रेडी करनी है तो ये मैंने बड़े शौरमा की पीटा ब्रेड ली थी आप छोटी भी बना सकते हैं घर में भी इजीली बना सकते हैं फिर वो बड़े ही बड़ा लंबा हो जाता है प्रोसीजर ना सारा उसकी रेसिपी भी बड़ी लंबी हो जाती है इसलिए फिर मैंने ना बाज़ार वाली यूज़ कर ली थी और इसमें मैंने थोड़ी सी चिली सॉस भी डाल दी थी चिली फ्लेक्स भी थोड़े से डाली और इसके अलावा मैंने लहसन का पाउडर भी थोड़ा सा इसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड कर दिया था ताकि इसमें थोड़ा सा वो टेस्ट भी आ जाए घर में भी हम ईजीली बना सकते हैं तो बस अब आज मैंने घर में नहीं बनाई थी इसके लिए फिर मैंने इस तरह से सॉस बना ली थी इसकी ना और थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी इसमें मैंने डाल दी थी ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तो इसके लिए मैंने ना सैलड वग़ैरह कट करके रख लिया था खीरे प्याज़ कट कर लिए थे क्योंकि अमूमन शारमा में वही चीज़ यूज़ होती है और मैं इधर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें बना रही हूँ इसलिए फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग ना तो मैंने चीज़ें सारी बना ली थी तो बस ये अब चिकन हमारा रेडी हो गया था और जो ये ब्रेड थी इनको मैंने तवे पे हल्का हल्का सा सेक लिया था ऐसे और आपने ना गरम-गरम को ऐसे कट करेंगे ना तो ये बड़ी इसको दरमियान से कट करना है तो ये बड़ी इजीली ना ऐसे ओपन हो जाएगी अगर ये ज़रा भी ठंडी हो जाए ना तो फिर इसको मतलब मुश्किल हो जाता है इसको थोड़ा सा ना हैंडल करना क्योंकि ये दरमियान से ना फिर कट नहीं अच्छे तरीके से होती तो अच्छी तरह से इसके अंदर हम सॉस लगा लेंगे सारी जो हमने रेडी की थी और इसके अलावा फिर अच्छी तरह से इसके अंदर चिकन की फिलिंग कर लेंगे जितनी आपने करनी है और ऊपर से थोड़ा सा सैलड डाल देंगे और उसके ऊपर फिर सॉस लगा देंगे सारी ऐसे ये प्यारे से हमारी शौरमा पॉकेट ब्रेड भी तैयार हो जाएगी और आप ना इसको मिनी शौरमास भी बना सकते हैं ऐसे शौरम भी बना सकते हैं वो भी इजी है क्योंकि इस, इसी इसी सारे इन्ग्रीडियंट से वो भी बनते हैं शॉर्मा भी इसी इन्ग्रीडियंट से बनते हैं बस ये हमने ज़रा इसको डिफरेंट तरीके डिफ़रेंट दी है ज़रा लुक के अच्छा लगे ज़रा ना बस ऐसे आप अंदर सैलड वग़ैरह इसमें फ़िल कर लें और इसके ऊपर इसके ऊपर फिर आप सॉस लगा लें और सॉस लगाने के बाद सॉस ऐसे भर के लगा देनी है ताकि ऊपर से भी ना इसकी अच्छी सी लुक आए और सॉस लगाने के बाद ऊपर फिर थोड़ा सा चिकन अगर और डालना चाहें तो और भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ज़रा अच्छा लगेगा खूबसूरती के लिए क्योंकि देखें इसमें ना मैंने हल्दी डाली है तो इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है तो बस हमारी ये पॉकेट्स भी रेडी हो गई हैं अब हम बनाने लगे हैं चिकन टिक्का सैंडविच और ये जो रेसिपी है ये बड़ी ही आसान है इसके लिए सबसे पहले हमने दो अंडों को फेंट लेना है इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक ऐड करना है और ये हम ये अंडा बना लेंगे सिंपल तवे पे जैसे बनाते हैं क्योंकि सैंडविचेस में ना एग काफ़ी अच्छा लगता है लोग तो बर्गर में भी यूज़ करते हैं अब जो लेयर वाला बर्गर होता है उसमें भी इस तरह का एग यूज़ करते हैं तो बस अब हम सिंपल तरीके से संडे को बना लेंगे और इसके बाद इसके चिकन को मैरिनेट करेंगे सैंडविचेस के लिए जो हम चिकन बनाएंगे तो इसके लिए ना ब्रेड का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बड़े साइज़ के पीसीज हों और थोड़ी अच्छी हो ब्रेड मेरी इतनी अच्छी नहीं थी ब्रेड अब तो आ गई थी फिर मुझे बनाने पड़े क्योंकि फिर मैंने उसको बड़ी मुश्किल से हैंडल किया क्योंकि वो टूट रही थी बिल्कुल बड़ी सॉफ्ट सी थी और वो जो बेकरी वाली ब्रेड होती है ना उसके पीसेस भी काफ़ी बड़े होते हैं और वो उसके सैंडविचेस भी ना काफ़ी अच्छे बनते हैं तो अब ये सिंपल चिकन मैंने ले लिया इसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया इसमें हम डालेंगे पेपरिका पाउडर इसके अलावा इसमें डालेंगे लेमन जूस हाफ़ लेमन हम स्क्वीज़ कर देंगे और इसके अलावा इसमें जाएगा देखिए हाफ लेमन मैंने स्क्वीज़ कर दिया इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा योगर्ट और थोड़ा सा नमक इसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट अगर पेस्ट नहीं है तो आप पाउडर यूज़ कर लें और थोड़ा सा नमक और अगर चाह लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं हमने बनाने इसको नॉर्मल ही रखना है और सैंडविचेस इतने स्पाइसी नहीं होते और थोड़ा सा मैं इसमें ना चिकन टिक्का मसाला भी ऐड करूँगी क्योंकि असल में इसका फिर वो फ्लेवर वही तिक्के का ना चिकन में आ जाता है तो वो काफ़ी अच्छा लगता है सैंडविचेस में ना तो फिर अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा ऑल्ट डाल के तो अब हम इस चिकन को पका लेंगे थोड़ा सा फ्राई करेंगे और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर इसको हम कवर करके रख देंगे हल्का सा पानी डाल के ताकि चिकन गल भी जाए और अच्छी तरह से अंदर से कुक भी हो जाए तो शुरू में तो इस ये जो गोश्त जो होता है ना चिकन स्पेशली अपना पानी छोड़ता है ना तो उसमें नहीं चिकन गलता तो उसके अलावा जो जब वो एक दफ़ा पान अपना पानी छोड़ दे ना चिकन तो उसके बाद फिर पानी डालना चाहिए उसको गलाने के लिए ना पहले ही नहीं पानी डाल के रख देना चाहिए फिर इसकी ना चिकन की स्मेल भी नहीं इस तरह ख़त्म होती तो ये ब्रेड के पीसीस फिर मैंने ले लिए थे इनके किनारों को मैंने कट कर लिया था और ब्रेड इतनी बस ठीक थी तो ये पीसीस भी काफ़ी ना इसके फिर किनारे कट कर दें तो पीसीस भी इसके काफ़ी फिर छोटे रह जाते हैं फिर इसलिए बड़े साइज़ की ब्रेड लेना तो वो फिर ठीक रहती है सैंडविचेस के लिए चलिए इस रेसिपी से आप बनाना तो ये नहाय थी मज़े के बने थे सबको बड़े पसंद आए थे और सबसे भी इस तरीके से आपने इसको असेंबल कर लेना है सबसे पहले एक पीस पे आपने केचप और माया लगा के इनको मिक्स कर देना है ऐसे कर दें मिक्स आप इसको और जैसे जैसे पसंद है क्योंकि इसकी लुक ही काफ़ी अच्छी लगती है इसके बाद ऊपर रख देंगे एक सैलड लीव और इसके ऊपर हम थोड़ा सा सैलड रख देंगे फ्रेश कोई भी आपने मैंने खीरे काटे थे सिंपल अगर आपने टमाटोज़ वग़ैरह भी पसंद करते हैं बच्चे या आप लोग ख़ुद तो आप वो भी इस गोल शेप में इसको कट करके रख दें इसके ऊपर एक एग का पीस रख देंगे और इसके ऊपर फिर मैंने एक चीज़ स्लाइस को ना ऐसे दरमियान में कट करके ना ऐसे ट्राइंगल शेप में तो वो भी रख दिया था मेरे पास यही अवेलेबल थी इसलिए मैंने यही रख दी इसके ऊपर फिर एक ब्रेड का पीस रखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे मायो और केचप और थोड़ी सी और जो चिकन का मटेरियल हमने बनाया हुआ है वो, वो सारा चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐसे ही सिंपल तरीके से आपने इसको असेंबल करके सारी चीज़ों को तो फिर मज़े के सैंडविचेस बना लेने हैं और ये छोटों को बड़ों को सबको ही पसंद होते हैं और ये काफ़ी हेल्दी सा बन जाता है स्नैक घर में बनाएं क्योंकि इस टाइप के सैंडविचेस घर में बनाना नहायत ही आसान है बच्चों को बाहर से बड़ी चीज़ें पसंद आती हैं लेकिन आप ना उनको कोशिश किया करें कि घर में बना के दिया करें तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किया करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग